गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम ओबेसिटी पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंदर हमें पढ़ना है असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी। हम ओबेसिटी की पहचान किस तरीकों से करेंगे, तो आइए पहले हम ये जानें कि असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी करने की कौन कौन सी विधि है। तो पहली विधि है बॉडी वेट, सेकेंड है बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, पॉन्ड्रियल इंडेक्स, वेस्ट टू हिप रेशियो और लास्टली ब्रोकास इंडेक्स। अब इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला बॉडी वेट। तो बॉडी वेट कैसे बताता है कि कोई व्यक्ति ओवरवेट है या ओबेस है? अगर 10% या उससे अधिक, स्टैंडर्ड वेट के 10% या उससे अधिक किसी व्यक्ति का वजन है तो वह व्यक्ति ओवरवेट का शिकार है, और अगर 20% स्टैंडर्ड वेट से किसी व्यक्ति का वजन अधिक है तो वह मोटापे का शिकार है। इसको क्लासिफाई किया गया है, मोटापे को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर में क्लासिफाई किया गया है। माइल्ड के अंतर्गत 25% बॉडी फैट एक्सेस टू नॉर्मल, मॉडरेट में 50% बॉडी वेट एक्सेस टू नॉर्मल, सीवियर में 75% बॉडी वेट एक्सेस टू नॉर्मल और वेरी सीवियर में 100% बॉडी वेट एक्सेस टू नॉर्मल। अब हम आएंगे बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है ये प्रायः सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ओबेसिटी को क्लासिफाई करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यह क्लासिफिकेशन WHO द्वारा अप्रूव्ड है। हम अब इसके अंतर्गत ग्रेडिंग पे आएंगे। अगर किसी व्यक्ति का BMI 25 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है तो वह सामान्य है। अगर किसी व्यक्ति का BMI 25 से 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर के बीच में है तो वह व्यक्ति ओवरवेट है। अगर किसी भी व्यक्ति का BMI 30 या उससे अधिक है तो वह मोटे लोग हैं। अगर 30 से 40 के बीच में है तो उन्हें ग्रेड 1 मोटापा है। अगर 40 से ऊपर है तो वह ग्रेड 2 मोटापे के अंदर आता है। अब हम BMI निकालना सीखेंगे। उसके लिए मैंने एक उदाहरण यहाँ दिया है कि एक 30 साल का मेल है जिसकी लंबाई है 5 feet 4 inches और वजन है 80 kg। हमें बताना है कि क्या यह व्यक्ति सामान्य है या ओवरवेट है या मोटापे का शिकार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लंबाई को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 5 feet 4 inches को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वह होता है 1.6256 meter। अब हमें इसे फॉर्मूला में लगाना है, जो BMI का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा है, जो है वेट इन केजी डिवाइडेड बाई मीटर्स, हाइट इन मीटर स्क्वेयर। उसी तरह से वेट हमारा केजी में 80 केजी है और हाइट है 1.6256 meter, जिसका हम स्क्वेयर कर लेंगे। अगर हम हाइट का स्क्वेयर करेंगे तो वो होता है 2.643। तो हम करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 2.643 और उत्तर आएगा 30.27। क्योंकि इस व्यक्ति का BMI 30 से ऊपर है, 30 या 30 से ऊपर होता है अगर BMI, तो हम इस व्यक्ति को ग्रेड 1 ओबेसिटी में क्लासिफाई करेंगे। इसी तरह से मैंने इसे एक तस्वीर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 18.5 से कम है BMI, 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से अगर BMI कम है तो वैसे व्यक्ति का वजन कम है। अगर 18.5 से 24.9 है तो वैसे व्यक्ति नॉर्मल है, सामान्य है। 25 से 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर अगर BMI है तो वैसे व्यक्ति ओवरवेट के शिकार है। वैसे ही 30 या 34.9 के बीच में अगर उनका BMI है तो वैसे व्यक्ति मोटे हैं, और अगर जो 35 से ज़्यादा हैं तो वो एक्सट्रीमली ओबेस है। यह भी एक क्राइटेरिया है उसे क्लासिफाई करने का। अब हम समझेंगे कि एडल्ट्स में हम कैसे बताएंगे, वयस्क लोगों में हम कैसे बताएंगे कि वो पतले हैं, मोटे हैं या बहुत ही मोटे हैं। वो बिल्कुल हम BMI के द्वारा बताएंगे। अगर उनका BMI 25 से ज़्यादा है लेकिन 30 से कम है तो वैसे व्यक्ति ओवरवेट हैं, और अगर उनका BMI 30 से ज़्यादा है, 30 या 30 से ज़्यादा है, तो वैसे व्यक्ति मोटापे के शिकार हैं।
हम आते हैं बच्चों के, जो ऐसे बच्चों का BMI कैसे, वैसे बच्चे को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे जो बच्चे 5 साल से छोटे उम्र के हैं, हम कैसे बताएंगे कि वो बच्चे मोटापा के शिकार हैं या नहीं। तो उनके लिए WHO ने एक ग्रोथ स्टैंडर्ड्स बनाया है जो लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग होता है। अगर उस ग्रोथ स्टैंडर्ड जो है वो दो चीज़ों को लेकर बना हुआ है, पहला है वेट और दूसरा होता है हाइट। हाइट जो होता है वो एक्स एक्सिस में होता है और वेट जो है वो वाई एक्सिस में होता है। तो अगर किसी भी बच्चे का वेट और हाइट का जो रेशियो है, वेट फॉर हाइट जो है, अगर वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से अधिक है लेकिन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है और WHO चाइल्ड ग्रोथ चार्ट, तो वैसे बच्चे जो हैं वो ओवरवेट के शिकार हैं। और वैसे बच्चे जिनका वेट फॉर हाइट 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर है, तो वैसे बच्चे जो हैं वो मोटापे के शिकार हैं। उसी तरह से 5 साल से 19 साल तक के बच्चों को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, उनके लिए भी WHO ने एक ग्रोथ रेफरेंस लिया है। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ रेफरेंस में BMI और एज है, मतलब उनकी उम्र के हिसाब से उनकी BMI को देखा जाता है। तो जो एज है वो एक्स एक्सिस में होता है और जो BMI है वो वाई एक्सिस में रहता है। अगर BMI फॉर एज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन ग्रोथ रेफरेंस चार्ट से ऊपर होता है, तो वैसे बच्चे जो हैं, वैसे 5 से 19 साल तक के बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं। अगर उनका BMI फॉर एज जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर है, तो वैसे बच्चे मोटापे के शिकार हैं। लेकिन हमेशा BMI एक सही मापदंड नहीं है मोटापा बोलने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वैसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि जो लोग एथलीट्स हैं जो दौड़ते हैं, या जो खिलाड़ी हैं, या जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वैसे लोगों में जो मसल वेट होता है वो बहुत अधिक होता है। और अगर आप BMI पद्धति का इस्तेमाल करेंगे उन्हें क्लासिफाई करने के लिए, तो वैसे व्यक्ति मोटापे के अंदर आएंगे। लेकिन एक्चुअली वैसे पीपल मोटे नहीं हैं, क्योंकि उनका जो वो मसल वेट है वो फैट वेट नहीं है, इसीलिए हमेशा BMI सही नहीं है। अब तीसरा जो तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है वेस्ट सर्कमफेरेंस, यानी कमर का नाप। तो यह बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है, ये कहीं भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं या डाइटिशियन के पास जाते हैं अपना वज़न कम करने को लेकर, तो वो लोग आपकी वेस्ट सर्कमफेरेंस लेते हैं। और किसी भी डाइट का अगर हमें देखना है कि क्या हुआ डाइट आपने कुछ सुधार कर रहा है या नहीं, तो हम तो पहले वज़न करते हैं, उसके साथ साथ हम वेस्ट सर्कमफेरेंस भी लेते हैं। अगर पुरुषों में 40 इंचेस या उससे अधिक वेस्ट का नाप है, जिसे सेंटीमीटर में 102 बोलेंगे, 102 या उससे ऊपर है, तो वैसे पुरुष जो हैं वो, उन्हें एब्डोमिनल ओबेसिटी है, मतलब पेट के आसपास के हिस्से में चर्बी का जमाव है। और वैसी महिलाएं जिनका वेस्ट सर्कमफेरेंस 35 इंचेस या उससे ऊपर है या 88 सेंटीमीटर्स या उससे ऊपर है, वैसी महिलाएं भी एब्डोमिनल ओबेसिटी की शिकार हैं, मतलब उनके पेट के आसपास के हिस्से में चर्बी जमी हुई है। चौथा तरीका जो है वो है पॉन्ड्रियल इंडेक्स। इसके बारे में हमें बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यह जानें कि पॉन्ड्रियल इंडेक्स भी एक तरह का असेसमेंट टूल है जो मोटापा को दर्शाता है। और लास्ट में हम एक टूल पढ़ेंगे जिससे जो है वेस्ट टू हिप रेशियो। इसमें क्या है कि आपके वेस्ट का सर्कमफेरेंस और हिप का सर्कमफेरेंस लिया जाता है और वेस्ट के सर्कमफेरेंस को हिप के सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो नॉर्मल होता है वो है 0.7। और अगर किसी पुरुष या पहले मैं पुरुषों का बात करती हूँ, अगर किसी पुरुष में वेस्ट इज़ टू हिप रेशियो 1 या उससे अधिक है, तो वैसे पुरुष जो हैं वो मोटापा के शिकार हैं। और वैसी महिलाएं जिनका वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप रेशियो जो है अगर 0.85 या उससे अधिक है, तो वैसी महिलाएं भी ओबेसिटी की शिकार हैं। यह वेस्ट टू हिप रेशियो ये बताता है कि क्या चर्बी ऊपर वाले हिस्से में है या नीचे वाले, निचले हिस्से में है। ऊपरी हिस्सा मतलब वेस्ट वाले हिस्से में है, कमर वाले हिस्से में है, या हिप हिस्सा, या उसके नीचे वाले हिस्से में है।
लास्टली हम मैंने एक तस्वीर से भी यहाँ पे दिखाया है कि आपको कहाँ कहाँ मेजरमेंट करना है। एक मेजरमेंट आप देख रहे हैं कि कमर के पास है और दूसरा हिप के पास है, जो मैक्सिमम एरिया हिप का है वहाँ पे वो मेजरमेंट हमें लेना है। लास्टली है ब्रोकास इंडेक्स। यह बहुत ही सरल तरीका है और यह डाइट थेरापी में मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल बॉडी वेट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ही आसान तरीका है और यह बहुत एक्यूरेट भी होता है। तो आइडल बॉडी वेट किसी व्यक्ति का आप कैसे निकालेंगे, वो होता है हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100। अगर हाइट है 155 सेंटीमीटर्स, अगर उस व्यक्ति का आपको निकालना है कि ब्रोकास इंडेक्स से कि कितना आइडल वेट होगा, तो आप सीधे 155 सेंटीमीटर्स को 100 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 55 केजी उस व्यक्ति का आइडल बॉडी वेट होना चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो क्लियर होंगी। तो थैंक यू और हैव अ नाइस डे।